घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। घड़ी, घड़ी में क्या है, घड़ी हमें समय बताती है। अगर हमें स्कूल जाते हैं तो समय देखकर, कोई भी अगर हमें काम करना होता है तो हम हमेशा घड़ी पे समय देखकर करते हैं। तो आज का टॉपिक यही है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। घड़ी में क्या है, जॉर्ज घड़ी से बात करते हुए कह रहा है, घड़ी टिक 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 ऑल टाइम टिक 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 करती रहती है। तभी एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। कोई बोला, जॉर्ज भैया डर गए, मैं तुम्हारी घड़ी हूँ। ओ बड़ी नटखट हो तुम, जॉर्ज बोला। जॉर्ज घड़ी से पूरे टाइम परेशान रह रहा है क्योंकि घड़ी पूरे टाइम उसको टिक 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 करती हुई नजर आ रही है, सुनाई दे रहा है उसके कान में, ये घड़ी टिक टिक कर रही है। उसके बाद में जॉर्ज बोलता है कि तुम अब चुप हो जाओ, शोर मत करो। घड़ी बोलती है, अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो तुम्हें समय कौन बताएगा, हर टाइम तुम मेरी मीठी सी आवाज नहीं सुन पाओगे, तुम स्कूल भी नहीं जा पाओगे। घड़ी बोली, मैं आलस नहीं करती हूँ, यही मेरा काम है, मैं सबको कहती हूँ काम करो, समय मत खो। घड़ी ने जॉर्ज को समझाया। अच्छा तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि घड़ी से जॉर्ज नाराज हो गया और वह जाके चला गया। उसके बाद में कहा, घड़ी बोलने लगी कि लेकिन भैया मैं तो तुमसे फिर भी बोलूंगी क्योंकि मेरा काम है तुम्हें समय पे स्कूल पहुंचाना और तुम्हें समय बताना। उसके बाद में घड़ी बोलती है, भैया तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम्हें स्कूल जाना है। तो घड़ी जॉर्ज उसको थैंक यू बोलता है। घड़ी को थैंक यू किस लिए बोलता है, क्योंकि जॉर्ज ने घड़ी ने जॉर्ज को समय बताया था कि उसके स्कूल का टाइम हो गया है। तो ये क्या है, घड़ी के पार्ट के शब्द है। टिक टिक क्या होता है, टिक टिक मीन्स होता है घड़ी की आवाज़। घड़ी कैसी आवाज करती है, टिक टिक घड़ी की आवाज। नटखट मीन्स होता है शैतान। शोर मीन्स होता है आवाज। आलस मीन्स होता है सुस्ती। धन्यवाद मीन्स होता है शुक्रिया। जैसे हम किसी के लिए काम करते हैं और वो हमें धन्यवाद करता है। उसके बाद में पुस्तक में किताब। ये शब्द है। उसके बाद में हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे घड़ी लेसन के। टिक टिक की आवाज किसकी थी, तो टिक टिक की आवाज कौन करता है, घड़ी करती है। यहाँ पे हम लोग आंसर में घड़ी राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉर्ज घड़ी से क्यों नाराज था। जॉर्ज घड़ी से क्यों नाराज था, क्योंकि घड़ी ऑल टाइम टिक टिक करती रह रही थी, उससे शोर लग रहा था, इसलिए वह उससे नाराज था। घड़ी के शोर से। घड़ी क्या करती है, घड़ी क्या करती है, घड़ी हमें समय बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ने घड़ी को धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि जॉर्ज घड़ी ने जॉर्ज को बोला था कि तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है, इसलिए जॉर्ज ने घड़ी को धन्यवाद दिया था। ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करने हैं और इनको लर्न करना है। थैंक यू।